ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सभी धर्मों के लिए गोरखनाथ मंदिर क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी तो अभी यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं, पर वो गोरखपुर स्थित नाथ संप्रदाय के संत बाबा गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इसके साथ ही वो राजनीति में काफ़ी वर्षों से सक्रिय रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर का जो धार्मिक इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही इस शहर का नाम गोरखपुर रखा गया है और ये मंदिर नाथ संप्रदाय का केंद्र है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ये मंदिर बहुत अधिक चर्चा में आ गया है। इसके साथ ये मंदिर मकर संक्रांति में लगने वाले विशाल मेले के कारण भी काफ़ी चर्चित है। मैं आपको इसी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गोरखनाथ नाथ परंपरा में नाथ मठ समूह का एक मंदिर है। इसका नाम 11वीं सदी में मौजूद मध्ययुगीन संत गोरखनाथ के नाम पर है, जो एक प्रसिद्ध योगी थे जो भारत भर में व्यापक रूप से यात्रा करते थे और नाथ संप्रदाय के कैनन के हिस्से के रूप में ग्रंथों के लेखक भी थे। नाथ परंपरा गुरु मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा स्थापित की गई थी। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां वह मत्स्येन्द्रनाथ और बाद में गोरखनाथ तपस्या करते थे। यह मंदिर नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। मंदिर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी तपस्या का ज्ञान मत्स्येन्द्रनाथ से लिया था, जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने योग स्कूलों की स्थापना की, जो योग अभ्यास के लिए बहुत अच्छे स्कूल माने जाते थे। गोरखनाथ मंदिर के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष उंगली उठा रहा है कि वह नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह कर पाते हैं या नहीं। मंदिर की दीवारों पर लिखी पंक्तियां फिर आश्वस्त करती है कि सामाजिक सांप्रदायिक समरसता का नाथ संप्रदाय का ध्येय कायम रहेगा। हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परमपद जहां देहुरा न मसीत। मतलब योगी मंदिर मस्जिद का ध्यान नहीं करता, वो परमपद का ध्यान करता है। सह परमपद क्या है, कहां है? यह परमपद आपके भीतर है, हमारे भीतर है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।